हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिलेगी। आई होप आप वीडियो को पूरा देखोगे। अगर चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर देना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजीएमआई स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज के टाइम पे हैकिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो भी छोटे लेवल पर नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर टूर्नामेंट पे हैकिंग वगैरह हमें देखने को मिल रही है। इसके लिए डिस्कस करेंगे एक अंडरडॉग टीम से रिलेटेड ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के बारे में। तभी उनके एक प्लेयर की ऑफिशियल टूर्नामेंट में लाइव बरी आईडी बैन हो जाती है, लेकिन जो गॉड बॉट है वो अपनी तरफ से क्लियर आउट करते हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई और हैकर नहीं सब कुछ किया है। लेकिन बहुत सारे प्रूफ भी निकल कर आए थे कि गॉड बॉट ने हैक वगैरह का यूज किया है, जिसकी वजह से उसकी आईडी बैन हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है गॉड बॉट के अगेंस्ट, और वो लैन का टूर्नामेंट भी खेल रहा है। फिलहाल ये तो एक इंसिडेंट था, लेकिन मैं आपको इस इंसिडेंट का इंपैक्ट बताता हूँ क्या पूरी कम्युनिटी पे पड़ा होगा। अभी मैं बात करता हूँ अंडरडॉग से रिलेटेड। तो अभी जितने भी अंडरडॉग है, मैं 100% गारंटी करता हूँ कि वो यही सोच रहे हैं कि भाई मैं भी हैक लगाता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि उनके मन में यही चीज बैठ चुकी होगी कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, खाली आईडी बैन होगी और मैं दूसरी आईडी से कंटिन्यू कर लूंगा कोई भी बहाने देकर। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि एक T1 स्पोर्ट्स प्लेयर क्या सोच रहा होगा। वो भी यही सोच रहा होगा कि भाई मैं भी क्यों पूरा दिन ग्राइंड करूं भाई 24 घंटे, इससे अच्छा हैक लगाऊंगा और टूर्नामेंट जीत जाऊंगा। क्योंकि उसे भी पता है कि भाई ये एक्शन वगैरह लिया ही नहीं जा रहा, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो भाई बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा बीजीएमआई के स्पोर्ट्स कम्युनिटी पे अगर जल्दी से जल्दी क्राफ्टन इन सबके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती है। तो इससे रिलेटेड फॉन्ग ने अपनी स्टोरी पे लगाया कुछ, वो लिखते हैं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे वो यही बताते हैं कि भाई जितने भी अंडरडॉग प्लेयर है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, वो यही सोच रहे होंगे कि भाई हैक लगाते हैं और टूर्नामेंट वगैरह को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनके मन में यही चीज बैठ चुकी होगी कि भाई कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो भाई हम क्यों डरे हैं। और वो लास्ट में बताते हैं कि भाई इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा बीजीएमआई के स्पोर्ट्स कम्युनिटी पर अगर क्राफ्टन या फिर कोई भी टूर्नामेंट मैनेजमेंट उस पे एक्शन नहीं लेता है। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट के पर। तो नेक्स्ट अपडेट है गॉड लाइक की तरफ से। तो अभी जो गॉड लाइक की सीओडी मोबाइल की लाइनअप है, वो भी कोई आउट ऑफ इंडिया का टूर होगा उनका, लेकिन एक प्लेयर का उनका वीजा क्लियर नहीं होता है। देन इसके बाद गॉड लाइक में एक नया प्लेयर भी ज्वाइन होता है सीओडी मोबाइल के लिए। तो जब गॉड लाइक के प्लेयर लाइव होते हैं, तो वो बताते हैं वो फिफ्थ प्लेयर कौन है और कैसा वो खेलता है। आप लोग ये क्लिप देखिए। वो रोया भी होगा शायद से, बट हमने एज अ टीम उसको समझाया कि भाई इंडिया में हम लोग लाइक कोई भी खेले लाइक ठीक है, और तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब तेरा वीजा नहीं लगा कोई बात नहीं भाई, इट्स ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, बट अभी भी चांस है गाइस इंडिया एंड इंडिया को भाई कुछ जीतना है ना, राइट। सो काफी मोटिवेट किया आजकल गए को, बट ठीक है यार अभी वो ठीक है पहले से, इट्स मच बेटर। Guys, let's get to 150 likes. Deku, Deku bhi Nepal mein shayad. Hey, Lan bhai, best of luck much. What about Vitality? Sams nahi khel rakhe hai na ye, guys. I think Sams is playing now. And Vitality ke kaafi ups and downs se here, but they're good to go. So I think hum log scrim karte hai almost daily Vitality se. So I think, guys, we should hope for the best. Skull guy ka bolo watch party kare. Skull guy yaar stream nahi karta na, videos dalta hai na kuch. भाई क्या सीन है, क्यों वीजा नहीं लगा? गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल स्कलगाई का फ्रेशर था, सो स्कलगाई यूएसए का वीजा लगना बहुत मुश्किल है। एंड आपको पता ही होगा गाइस इंडिया में ईस्पोर्ट्स के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है स्पेशल वीजा की, सो हम लोग को टूरिस्ट वीजा पे लगाना पड़ा और टूरिस्ट वीजा बहुत मुश्किल है। तो जो भी लोग आज तक यूएसए नहीं गए उनके लिए काफी मुश्किल है, तो ये बहुत नॉर्मल है। आई थिंक गाइस लेटाम में इनको से राफा का नहीं हुआ, फिर आई थिंक किंग्स में भी एक प्लेयर का नहीं हुआ, फिर आई थिंक पावर हाउस में भी FTX का नहीं हुआ शायद से। तो गाइस काफ़ी लोग हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल, बट ठीक है हम लोग अभी एक्सक्यूज नहीं देना चाहते, चाहे स्किल गए खेले या प्रिविल खेले, चाहे मैं खेलूँ नहीं खेलूँ, आई थिंक वी शुड only focus how to win, right? Next update है सोमराज की तरफ से। तो जब सोमराज लाइव होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो बात करते हैं बहुत सारे अंडरडॉग से रिलेटेड और ट्रैश टॉक भी करते हैं। आप लोग देखिए वो क्या बोलते हैं। बिलीव कि वो फाइनल्स में भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। यस। टीम अप प्लानिंग मत करना, तेरा ब्रिज ब्लॉक करने वाले हैं बहन के लड़के। तेरे पैर ले रहा हूँ ले रहा है तो वही लूटूंगा, वही वाला कंपाउंड आ गया साल ब्रिज कैंप करके मार दिया था। जब क्वालिफाई नहीं हो रहा था स्टैंड करा, अब कहाँ गया स्टैंड? यार देखो हमने तो स्टैंड इतना लिया, अब आगे वाले जो हमारे ऊपर वाले हैं भगवान जी, कौन है वो भगवान जी? है हमारे ऊपर वाले भगवान जी, उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर हैं। हमारे हाथ में होता तो अभी बताओ क्या होता। बहुत कुछ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पुकार से पूछ सैलरी टाइम से मिलती है, बता क्या वो सैलरी टाइम से मिलती है, मैं पूछ रहा है। अरे मिलती होगी यार, और गए वो क्या बात कर रहे हो तुम लोग, बहुत टीम का गेम खराब,
करके गया। देखो अभी अगर उन लोग कोई बाहर भी हो गया तो जो इतनी सारी टीम का गेम खराब हुआ उनका क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है, सबका शूट हो गया। ये लोग जो शूट भी करा रहे इतना महंगा बातचीत है उसमें, हम सुने कि 30-40 लाख रुपए का एक दिन का उसका चार्ज है सेट का। आराम से होगा। 100+ बंदे थे हमारा शूट करने के लिए। 170 का स्टाफ। सोच लो तुम लोग 170 लोग बस 5 सेकंड का शॉट निकालने के लिए बस लगे पड़े भाई। सोम बाबू गमला को बचा कर रखना, पुकार कहीं तोड़ ना दे। पुकार का मन तो था पुकार गमला सारंग स्प्रे गॉड। माय गॉड लाइनअप एवर। लोग भाई गॉड व्हाट इज द न्यू क्या भाई यार। ये राइजिंग जो नीचे से ऊपर आते हैं ना लोग, उसको सब लोग हेट करते हैं। पहले जोनाथन को भी हैकर बोलते थे, लोग बोलते थे कि नहीं